चावड़ी बाजार में आते हैं लोग बाग अपने हार्डवेयर का सामान लेने के लिए। यहाँ सस्ता मिलता माल, होलसेल का मार्केट है इसलिए। तो ये छावड़ी बाजार जो है, यहाँ पे हार्डवेयर का हर तरीके का सामान आपको हमें मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तर और स्वागत है आपका तेज तरार में। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली 6 स्थित छावड़ी बाजार में। अगर आपको भी यहाँ पर आना है तो आप मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से, छावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से एग्जिट कीजिए और आपके सामने ही आपको बहुत ही बड़ा हार्डवेयर का बाजार जो है वो नज़र आएगा। मैं आपको बता दूँ, बाजार जो है वो हार्डवेयर और सैनिटरी आइटम्स के लिए फेमस है और यहाँ पर जो है दिल्ली में जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, दिल्ली से बाहर जितने भी लोग रिटेल स्टोर्स रखते हैं, ज़्यादातर लोग यहीं से जो है हार्डवेयर और सैनिटरी का सामान लेके जाते हैं होलसेल रेट में। तो आइए यहाँ पे तमाम दुकानदारों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर जो है बिकता है। चावड़ी बाजार में आते हैं लोग बाग अपने हार्डवेयर का सामान लेने के लिए। आपकी जो दुकान है वो किस चीज़ की है? ये हमारे स्टील के नट बोल्ट मिलते हैं SS के। तो यहाँ पे क्यों लोग आते हैं, क्या खास है यहाँ पर? यहाँ सस्ता मिलता माल, होलसेल का मार्केट है इसलिए होलसेल में सस्ता सामान मिल जाता है। अच्छा, रिटेल मतलब अगर किसी को एक दो पीस लेना हो तो वैसे मिलेगा? नहीं, मिल जाता है लेकिन वो महंगा मिलेगा, यहाँ होलसेल के लिए ठीक है। तो आप ये नट देते हैं, ये नट इसका क्या प्राइस होगा? इसका हर साइज का अपना अलग अलग प्राइस है, इसका अलग से इसका तो कोई प्राइस नहीं है। अच्छा, हर चीज़ का अलग अलग प्राइस है, हर साइज का अलग अलग प्राइस है। ये मार्केटर से इसमें सारी चीज़ें मिल जाती है मशीनरी से संबंधित। तो आपके पास क्या, जैसे अलग अलग, जैसे दिल्ली में जितने भी हार्डवेयर स्टोर्स हैं वो लोग आते हैं सामान लेने? सामान लेते हैं, इंडस्ट्रियल वाले आते हैं, जो रिटेलर है वो आता है हमारे पास सामान लेने। तो यहाँ पे क्या हार्डवेयर का सामान मिलता है? हार्डवेयर है, सेफ्टी मटेरियल है, सारा कुछ है। सैनिटरी भी है आगे। तो आप जो है होलसेल में देते हैं? हमारा बल्क है, सारा बल्क। हाँ जी। तो क्या दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जिनकी दुकानें हैं रिटेल की, वो यहीं से लेकर जाते हैं? हाँ जी, दिल्ली में बाहर से भी आते हैं। अच्छा, दिल्ली के बाहर से भी लोग आते हैं। तो क्या क्या जैसे सामान मिल जाएगा आप लोगों के पास? देख लो जी, हमारे पास सारे ग्लव्स की रेंज है, बाकी सेफ्टी में सारा कुछ है। अच्छा, सेफ्टी में आपके हेलमेट्स आ गए, शूज़ आ गए, मेटल डिटेक्टर्स हैं, ईयर प्लग्स हैं। तो क्या अभी मतलब रेट प्राइस ठीक चलता रहता है आपके, कोई मार्केटिंग में कोई दिक्कत आती हो? फ्लक्चुएशन तो रहती है जी, एज पर डिमांड हमेशा फ्लक्चुएशन रहेगी। आपकी किस चीज़ की ये स्टोर है? ये कटिंग टूल्स का है जी। कब से आप यहाँ पे ये स्टोर लगा रहे हैं? 94 से, ये तब से ही आपका ये स्टोर है जी। तो ये आप कटिंग टूल्स का ही काम करते हैं, पहले कुछ और काम था? पहले घड़ी का वॉश मशीन काम करता था, घड़ी का। तो आपने ये वाला काम क्यों शुरू किया? उसके अंदर वो काम बंद हो गया था वाला, घड़ी का, वो जब से इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आई थी वो काम खत्म हो गया था, हमारे काम करना पड़ा। सही चल रहा है अभी आपका काम? हाँ, सही चल रहा है। लोग आते हैं यहाँ पे सामान लेने? आते हैं लेने। होलसेल में देते हैं? होलसेल में भी देते हैं, रिटेल में भी देते हैं। ड्रिलिंग मशीन भी होगी? ड्रिल मशीन नहीं रखता मैं, ड्रिल बिट रखता हूँ। मैं रेट पूछना चाह रही थी कि ये जो हैंडल है इनका रेट क्या है? ये वाला आपको पड़ेगा 1050 का, ये 1650 का। कौन सी कंपनी के है ये? ये कोई इरोटेक आ जाता है, कोई ब्लियोटेक आ जाता है ऐसे। तो आपसे कौन ये खरीदने आते हैं, रिटेल के जितने भी शॉप पे आते हैं, होलसेल में भी आते हैं? होलसेल में ज़्यादा बिकते हैं, रिटेल में दोनों वैसे मैक्सिमम है। अब अगर ये वाले पीस मैं होलसेल में लूँ तो कितने के देंगे? वो इतने का, 1050 का ही। कितने पीस? चाहे आप 100 लो या 10 लो, रेट सेम रहेगा। और ये वाले हैंडल्स? ये हैंडल्स आपको पड़ेगा 1250 रुपये का। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडल्स ही हैं? अच्छा, ये कुंडी है? ये कुंडी है, ये इधर, ये फैंसी में आ जाती हैं, ये सिंपल में आ जाता है इधर, ये की होल्डर है, ये आपको पड़ेगा 560 रुपये का। कम होगा इसका रेट? वो जो क्वांटिटी के हिसाब से होता है कि कितने, क्या नाम है, कितने एक चाहिए तो यही रेट है, अगर 10-20-50 चाहिए तो उसमें 10-20 रुपये कम हो जाता है। यहाँ पे जो है पूरा सैनिटरी का और सामान लगा हुआ है, बाथरूम का, ये नल है, ये कितने का होगा? ये वाला आपको, ये मिक्सचर चाहिए, इसका नल चाहिए, ये मिक्सचर होता है, ये आपको 1890 -30%, ये 1300-1323 रुपये का है, ये 550 रुपये का। अगर मैं यहाँ पे जो है आप रिटेल पीस में ये देंगे तो मैं अगर किसी दूसरे रिटेल स्टोर पे जाऊँ दिल्ली में तो वो इतने का ही मिलेगा ये शावर? वो अपना अपना हिसाब होता है, उनका क्या हिसाब है, हमारा क्या हिसाब है। क्या मैं जान सकती हूँ जो छावड़ी बाजार है यहाँ पर जो है आप सामान कहाँ से मंगवाते हैं? ये तो सारे होलसेल मार्केट है, ये कोई अलीगढ़ से आता है, कोई राजकोट से आता है, कोई बॉम्बे से आता है, कोई दिल्ली में बनता है।
कौन कौन सी कंपनी के आप ये सामान रखते हैं? सारे कंपनी, जैसे गोदरेज हो गया, डोर सेट हो गया, हिप्सा हो गया, ये सारे कंपनी होती हैं। तो देखिए, अभी हम एक हार्डवेयर की स्टोर में गए थे जहाँ पर हमने देखा कि कई चीज़ों के प्राइस हमने देखे, उसके अलावा हमने सैनिटरी की चीज़ों के भी रेट जाने, उन्होंने बताया कि यहाँ पे रिटेल में भी और होलसेल में भी दोनों चीज़ों में मिलता है प्रोडक्ट्स। अभी जो हम दुकान देख पा रहे हैं ये शायद से पाइप्स की दुकान है। एक बार अंदर चलते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ मिलता है और क्या रेट है इन चीज़ों के। सर, आपकी जो ये दुकान है किस चीज़ के? रबर पाइप, रबर शीट, गैसकेट, पैकिंग मटेरियल सारा। आप लोग होलसेल में सामान देते हैं? सारा होलसेल में, होल रिटेल दोनों काम है। रिटेल भी है। तो कितने का मिल जाता होगा अगर मैं किसी पाइप का आपसे रेट पूछूं तो? मैडम 1000 तरह के पाइप हैं, किसका रेट पूछोगे? कोई पानी गया, कोई हवा गया, कोई तेल गया, कोई केमिकल गया, सब तरह के पाइप हैं। तो ये छावड़ी बाजार जो है यहाँ पे हार्डवेयर का हर तरीके का सामान आपको हमें मिल जाएगा, हर तरीके का, सैनिटरी का भी? हाँ जी, हाँ जी। तो ये पाइप जो है किसमें आएगा? हार्डवेयर। तो देखिए, अभी हम फिलहाल बहुत सारे दुकानदारों से जुड़े और हमने उनसे कई चीज़ों के रेट जानने की कोशिश करी कि आखिर छावड़ी बाजार में क्या कुछ मिलता है। तो आइए और दुकानों पर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ मिलता है। सर, ये क्या बेच रहे हैं? ये ट्रॉली व्हील है बहन, ट्रॉली व्हील है ये, ट्रॉली, ट्रॉली में जो लगते हैं, ट्रॉली व्हील के पहिए हैं ये, ट्रॉली व्हील के पहिए हैं ये, इसे ट्रॉली व्हील में लगते हैं सिर्फ। क्या रेट होंगे इनके? हर साइज़ के अलग अलग रेट होते हैं। कौन से साइज़ के कितने हैं? लोडिंग के हिसाब से हैं ये। कूलर के लिए 150 रुपये के चार हैं, ये 380 रुपये का एक है, ये 700 रुपये का सेट है, अलग अलग रेंज के अलग अलग रेट है। तो आप क्या यहाँ पे होलसेल में देते हैं, रिटेल में? रिटेल में भी है, होलसेल में भी है, बिल वगैरह पक्का सब मिलेगा। होलसेल में क्या कम रेट में देते हैं और रिटेल वाला ही रेट होता है? होंगे वो होलसेल में कम रेट में होंगे, रिटेल में ज़्यादा होंगे। सर, ये किस चीज़ आप क्या ये बेच रहे हैं? या? ये क्या है ये सब सामान? ये हार्डवेयर मार्केट है। हार्डवेयर, तो ये क्या, ये जो लगा हुआ है ये क्या होता है? ये गेज होती है, एयर गेज। इससे क्या यूज़ होता है इसका? ये हवा के प्रेशर के लिए। तो आप ये होलसेल में दे रहे हैं यहाँ पे? रिटेल। कब से आप यहाँ पे बैठे हैं? 25 ईयर्स। 25 सालों से आप यहाँ पर हैं, तो क्या मार्केटिंग में कुछ फ़र्क आया है? 25 सालों से सेम आपका चल रहा है? नहीं नहीं, अभी बहुत डाउन चल रहा है मार्केट। डाउन हो गया, पहले अच्छी बिक्री होती थी। सर, ये किस चीज़ की दुकान है आपकी? नट बोल्ट्स की जी। नट बोल्ट्स मिलते हैं, तो आप होलसेल में देते हैं रिटेल में? होलसेल में, रिटेल का काम नहीं है, होलसेल रिटेल बोलता हूँ जी। तो यहाँ पे क्या दिल्ली से जुड़े या तमाम दिल्ली से बाहर से जुड़े हार्डवेयर आते हैं, तो आप उन्हें कम प्राइस में दे देते हैं? होलसेल है तो कम प्राइस ही मिलेगा ना यहाँ से। रिटेल में भी लोग लेके जाए तो कोई इशू नहीं। कब से आप लोग यहाँ पे, ये दुकान है आपकी? टाइम से 20 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो काम ठीक चल रहा है अभी, आपको कोई दिक्कत क्या? और ये छावड़ी बाजार जो है यहाँ पे क्या हर तरीके, यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है? इंडस्ट्रियल सारा मिलता है, इंडस्ट्रियल फास्टनर्स, हार्डवेयर सब मिलता है। सर, आपके नट बोल्ट्स की दुकान है? रिपीट किया। क्या? रिपीट, रिपीट। क्या होता है वो? ये रिपीट होता है जो ये लगा हुआ है ना, ये नंबर प्लेट में। तो ये होलसेल का है? होलसेल है। रिटेल? रिटेल भी है। हमें दिखा सकते हैं कैसा ये दिखता है और क्या इसका क्या यूज़ होगा? ये जब रखा हुआ सब नीचे देख लो। ये नंबर प्लेट में लगेगा गाड़ी के, सब कुछ जितना भी है यहाँ पर ये नंबर प्लेट का ही है। कितने का होगा ये पैकेट पूरा? ये 400 रुपये का है। 400 रुपये का होलसेल में 400 का है, रिटेल होलसेल का रहता है। 400 में कितने पैकेट मिलेंगे? एक पैकेट 1000 पीस का आता है। तो अगर मुझे 5 पैकेट लेने हैं तो कितने मिलेंगे? 5 पैकेट का मिलने हैं तो जो लो 2000 रुपये का। और मैं सिंगल पैकेट लूँ तो ये फिर भी 400 रुपये। जी सर, आपके भी यहाँ पर दुकान है? हाँ जी। किस चीज़ की दुकान होगी आपकी? हमारी फास्टनर नट बोल्ट आते हैं। क्या होते हैं नट बोल्ट में, कितने टाइप के आपके पास नट बोल्ट है? नट बोल्ट मैनी टाइम होते हैं, छोटे बड़े साइज, उसमें 4 एम से स्टार्ट है, 30 एम तक होते लॉन्ग। होलसेल में देते हैं रिटेल में? दोनों हैं। क्या प्राइस होता है वैसे उन नट बोल्ट का लमसम? मोस्टली क्या होता है, एमएस में किलो में भी आता है, लिस्ट में भी आते हैं, कंपनी जो बनाती हैं उनकी लिस्ट होती है, उस पर डिस्काउंट होते हैं। कौन कौन सी कंपनी के होंगे? अम्ब्रेको, LPR, TVS, एक कंपनी जो आती है, मेन कंपनी है जो मैनुफेक्चर है बड़ी, उनके आते हैं। तो देखिए, हम छावड़ी बाज़ार के तमाम हार्डवेयर स्टोर्स में गए, सैनिटरी स्टोर्स में गए, हमने यहाँ पे तमाम चीज़ों के रेट आपको बताए हैं और आप भी देख सकते हैं कि किस तरह का ये बाज़ार है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं होलसेल और रिटेल दोनों में आपको हार्डवेयर और सैनिटरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हम काफ़ी सारे दुकानदारों से जुड़े
जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह का यहाँ आपका सामान मिलता है। तो इस बाजार को लेकर आप भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही दिल्ली की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।